तो फाइनली इंडियन मार्केट में काइनेटिक ग्रीन कंपनी ने लूना को फिर से लॉन्च कर दिया है और इस बार ये इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च हुई है, यानी कि काइनेटिक ई लूना को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले वीडियो में इसके लॉन्चिंग से पहले मैंने इसकी आपको प्राइसिंग बता दिया था, साथ ही उसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं उसकी भी जानकारी मैंने दे दिया था। लेकिन इस वीडियो में जो ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे जो बताई गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं, किस प्राइस रेंज में लॉन्च की गई है ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बता दो, ये आपको 5 कलर ऑप्शन के साथ मिलेगा, जिसमें आपको रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन और ब्लैक मिल जाएगा। और इसमें जो कलर ऑप्शन में जो डिफरेंस मिलता है वो केवल ये जो चेचिस दिया गया वो आपको यहाँ पे कलर अलग अलग देखने को मिलेगा, बाकी ओवरऑल ये पूरी तरह से ब्लैक दिखने में लगती है। इसमें आपको काफी प्रीमियम स्प्लिट सीट मिल जाएगा और इसके जो पीछे वाला सीट है, जैसे कि आप एक्सेल 100 टीवीएस कंपनी देखते हैं उसमें ऑप्शन मिल जाता है रिमूव करने के लिए सीट का, ऐसे में इसमें भी आपको रिमूवेबल सीट मिल जाता है, आपको सामान वगैरह बांध सकते हैं। साथ ही इसके फ्लोरबोर्ड पे आपको स्पेस भी अच्छी खासी मिल जाती है जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। इसमें आपको लेग गार्ड भी मिल जाता है। वहीं इसमें BLDC मोटर मिल जाएगा जो कि 1.2 किलोवाट का पावर जनरेट करती है। बैटरी पैक इसमें जो दी गई है 2 किलोवाट आवर के साथ लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, जो कि इसकी बैटरी रिमूवेबल है, निकाल भी सकते हैं। चार्ज होने में 4 घंटे का समय लेती है, एक बार चार्ज होने के बाद 110 किलोमीटर यानी कि 110 किलोमीटर तक इसे चलाया जा सकता है। वहीं इसमें 3 राइडिंग मोड मिल जाता है अलग अलग, अगर आप पहले मोड में चलाएंगे तो वहाँ पे रेंज आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। बाकी जो इसके टॉप स्पीड है 50 KMPH तक है। इसके फीचर्स की बात करें तो पहले जैसा हेडलैम्प दिया गया है जो कि हेलोजन के साथ मिल जाती है, साथ ही इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसमें सेफ्टी गार्ड भी दिया गया, इसके अलावा इसमें बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है। USB सॉकेट भी दिया गया जहाँ से स्मार्टफोन आप चार्ज कर सकते हैं। वहीं इसमें साइड से सेंसर भी लगा हुआ है। बाकी इसके फ्रंट में देखेंगे टेलीस्कोपिक, वहीं इसके रियर में डुअल हाइड्रोलिक स्प्रिंग यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाती है, जिससे कि आप कैसे भी रोडों पे इसे चला सकते हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट और रियर में 16 इंच के स्पोक व्हील्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिससे कि थोड़ी सी मजबूती बने रहे खराब से खराब रोडों पे चलाने के लिए भी। जिसके फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, ये CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ लॉन्च की गई है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm की है, सीट हाइट 760 mm की है। बाकी जो इसका वेट है 96 kg है बैटरी के साथ और लोडिंग कैपेसिटी 150 kg तक है, इससे भी ज्यादा वेट उठा सकती है। बाकी बात आती है किस प्राइस रेंज में लॉन्च की गई है, तो काइनेटिक ग्रीन की ई लूना जो कि 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च की गई है, X1 वेरिएंट के साथ एक्सम प्राइस 69,990 यानी कि 69,990 रुपए तक रखी गई है, यानी कि अप्रॉक्स 70,000 के आसपास में लॉन्च की गई है। वहीं इसका X2 जो मॉडल है 74,990 यानी कि 14,990 रुपए के एक्सम प्राइस में लॉन्च की गई, यानी कि काइनेटिक ई लूना आपको 70,000 के एक्सम प्राइस मिल जाएगा। बाकी जो ऑनो प्राइस है 72,000-73,000 आराम से चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइसिंग है जो पेट्रोल सेगमेंट में TVS XL आती है उसी से प्राइस से काफी मैच भी हो रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक मोपेड चाहिए तो अब आपको काइनेटिक कंपनी की ई लूना भी अब मिल जाएगी। तो ये आपको कैसी लग रही है, इसकी प्राइसिंग कैसी रखी गई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।